हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीकॉम सिक्स्थ सेम के सब्जेक्ट सेक्टोरल एस्पेक्ट्स इन इंडियन इकोनॉमी का एक नया चैप्टर इंडस्ट्रियल पॉलिसी करने जा रहे हैं। पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी भी कंट्री की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर एप्रोप्रिएट और प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी का होना ज़रूरी है। इंडस्ट्रीज़ को डिज़ायर्ड डायरेक्शन में चलाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल पॉलिसी की फॉर्म में टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू करती है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ज़रिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरह से कंट्रोल और रेगुलेट किया जाता है। नाउ मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ऐसे प्रिंसिपल्स और एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है जो किसी कंट्री के इंडस्ट्रियलाइज के लिए हेल्प करती हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ऐसे रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स इंक्लूड होते हैं जो किसी कंट्री की इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स को डिज़ायर्ड डायरेक्शन में रेगुलेट करते हैं ताकि उसके ऑब्जेक्टिव्स जैसे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा को अचीव किया जा सके। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लेबर और कैपिटल, कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, फॉरेन कैपिटल एंड प्रोटेक्शन एक्सेट्रा से रिलेटेड पॉलिसीज इंक्लूड हैं। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से स्टेट्स ग्रोथ प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री में इंडस्ट्रियल पॉलिसी की इम्पॉर्टेंस को फॉलोइंग फैक्ट से पता लगाया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट, लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और वो इस पोजीशन में नहीं होती कि वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में रिस्की वेंचर्स को शुरू कर सके। इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी हो गया। गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक सेक्टर में ऐसी इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश किया गया जिनमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो और जिनके लिए ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो। गवर्नमेंट ने बहुत से रोड्स डेवलप किए, पावर स्टेशंस और हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा को एस्टेब्लिश किया। प्राइवेट सेक्टर ने भी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया। कुछ इंडस्ट्रीज़ तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर यानी कि इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट दोनों मिलके जॉइंटली चला रही हैं और उनके द्वारा डेवलप की गई इंडस्ट्रीज़ हैं। सेकेंड पॉइंट, रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को डिज़ायर्ड डायरेक्शन में रेगुलेट करने के लिए एक एप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल पॉलिसी की ज़रूरत है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं इसलिए उन्हें प्लान्स की प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग ठीक तरह से यूटिलाइज़ किया जाना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर को उन प्लान्स के द्वारा डिटरमाइन की गई प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग काम करने के लिए कंट्रोल और रेगुलेट करना चाहिए। इस तरह प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन सेक्टर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इनिशियल स्टेजेस पे कंट्री को फॉरेन कैपिटल पे, फॉरेन हेल्प और फॉरेन ट्रेड एक्सेट्रा पे डिपेंड होना पड़ा था। इसलिए इस रिस्पेक्ट में पॉलिसीज़ का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी पॉलिसीज़ बनाना ज़रूरी हो गया ताकि फॉरेन सेक्टर नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना जा सके और उनसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने में भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948। लेट श्याम प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने 6 अप्रैल 1948 को फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अनाउंस किया। ये उस समय इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे। इस सिस्टम में गवर्नमेंट कंट्री की प्रोग्रेस में इंटरेस्ट ले रही थी, इसलिए इस पॉलिसी के अंडर पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स के पास
डेवलप और प्रोग्रेस के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी। मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948। फर्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट वन इज पब्लिक सेक्टर। इस कैटेगरी में 3 इंडस्ट्रीज इंक्लूड हैं जिन पे स्टेट का फुल कंट्रोल होगा। इसमें आर्म्स एंड अम्यूनिशंस, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज जैसी इंडस्ट्रीज इंक्लूड हैं। अगर स्टेट में किसी भी तरह की इमरजेंसी की कंडीशन होगी तो स्टेट इन एजेंसीज में से किसी भी इंडस्ट्री को उसके डिफेंस और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के लिए यूज़ कर सकेगी। सेकेंड सेक्टर है पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर। इस सेकेंड कैटेगरी में मेनली 6 मेन बेसिक इंडस्ट्रीज यानी कि कोल, आयरन एंड स्टील, एयरक्राफ्ट, शिप बिल्डिंग, मिनरल ऑयल, टेलीफोन केबल्स और वायरलेस अपरेटस इंडस्ट्रीज इंक्लूड हैं। इन इंडस्ट्रीज से रिलेटेड सभी न्यू अंडरटेकिंग्स को सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा ही एस्टेब्लिश किया जा सकता है, बट जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स होगी उनको नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए प्राइवेट सेक्टर के द्वारा मैनेज और डेवलप किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ नेशनलाइजेशन को डिसाइड किया जाएगा। थर्ड सेक्टर है कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर। यह थर्ड कैटेगरी है जिसमें 18 इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज यानी कि ट्रैक्टर, मोटर व्हीकल्स, हैवी मशीन टूल्स, कॉटन टेक्सटाइल, हैवी केमिकल्स, सीमेंट, पावर, शुगर, पेपर, शिपिंग, मिनरल्स एक्सेट्रा इंक्लूड हैं। इन इंडस्ट्रीज पे हमेशा प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल रहेगा, बट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करके इन पे कंट्रोल भी कर सकती है। फोर्थ सेक्टर है प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। ये फोर्थ कैटेगरी है जिसमें बची हुई सभी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी और ये इंडस्ट्रीज प्राइवेट ओनरशिप या कोऑपरेटिव बेसिस पे रन की जा सकती थी। सेकंड पॉइंट इज कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इस पॉलिसी में यह डिसाइड किया गया कि कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। इन इंडस्ट्रीज के रैपिड डेवलपमेंट का मेन एम लोकल रिसोर्स को प्रॉपरली यूज़ करना और कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन में एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करना था। इन इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट हेल्प प्रोवाइड करने के लिए स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी सेटअप किया गया। थर्ड टॉपिक इज लेबर एंड कैपिटल रिलेशंस। कंट्री की स्मूथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लेबर और कैपिटल में कॉपरेशन होने पर भी स्पेशल ध्यान दिया गया। यह डिसाइड किया गया कि लेबर्स को फेयर वेजेस, सोशल सिक्योरिटी और बाकी फैसिलिटी दी जाएंगी और यह भी डिसाइड किया गया कि लेबर के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाए और उन्हें इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी में प्रॉपर और फेयर शेयर भी मिल सके। इसके लिए भी अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए गए। फोर्थ पॉइंट एटीट्यूड टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल। कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए फॉरेन कैपिटल की बहुत इम्पोर्टेंस है। इससे कंट्री की टेक्निकल नो हाउ इंक्रीज हो जाती है। फिर भी कंट्री के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए और गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेन कैपिटल पे फुल कंट्रोल पाना ज़रूरी हो गया और यह भी क्लियर कर दिया गया था कि प्रॉफिट्स का मेजर शेयर ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप उन इंडियंस को जाएगा जिन्होंने उस फॉरेन कैपिटल में इन्वेस्ट की हो। फिफ्थ पॉइंट चेंज इन टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ मींस टैक्स। कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने और इंडियन इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट की टैरिफ पॉलिसी में चेंज की ज़रूरत है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हैवी टैरिफ्स यानी कि ज़्यादा टैक्स इम्पोज किए जाते हैं, बट ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि जो भी हम हाई टैरिफ लगा रहे हैं उनका
कस्टमर्स पे एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। सिक्स्थ पॉइंट, सोशल ओवरहेड कॉस्ट। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स की इम्प्रूवमेंट से कॉस्ट इंक्रीज हो गई हैं। सेवन्थ पॉइंट, प्लानिंग कमीशन। कंट्री की प्लान्ड डेवलपमेंट के लिए एक प्लानिंग कमीशन को भी सेटअप किया गया। इस तरह इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स में कॉपरेशन के बेसिस पे एक मिक्स्ड इकोनॉमी को बिल्ड करना था। नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। 24 जुलाई 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अनाउंस किया। इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव इंडियन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल कंट्रोल से इंडिपेंडेंट करना था। इसका मेन एम इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को इंटरनेशनल लेवल तक रेज करना और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बूस्ट करना है। मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। फर्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज़ को 17 से कम करके 8 कर दिया गया। इन 8 इंडस्ट्रीज़ में आर्म्ड एंड अम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, कोल, मिनरल ऑयल, माइनिंग ऑफ आयरन ओर, मैग्नीज ओर, गोल्ड सिल्वर, माइनिंग ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, एटॉमिक मिनरल्स, रेलवेज एक्सेट्रा इंक्लूड हैं। बट 2004-05 में इस नंबर को और भी कम करके सिर्फ 3 कर दिया गया, जिनके नेम है एटॉमिक मिनरल, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज, और जो बाकी दूसरे एरियाज हैं वो पब्लिक सेक्टर के लिए रख दिए गए। पब्लिक सेक्टर ऐसी इंडस्ट्रीज भी सेटअप कर सकता है जो उसके लिए रिजर्व्ड नहीं है। सेकंड पॉइंट, डीलाइसेंसिंग। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सिर्फ इन 18 इंडस्ट्रीज में से किसी भी केस में इंडस्ट्रियल लाइसेंस ऑब्टेन करना ज़रूरी था, बट 2006 में यह नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज जिनके लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस ऑब्टेन करना कंपलसरी था उसे कम करके 5 कर दिया गया, और लाइसेंस ऑब्टेन करने के बाद वो स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज अपना काम कर सकेंगी। इन इंडस्ट्रीज़ में एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, टोबैको प्रोडक्ट्स, एरोस्पेस, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, हजार्डस केमिकल्स एक्सेट्रा इंक्लूड हैं। इन इंडस्ट्रीज़ के अलावा दूसरी सभी इंडस्ट्रीज़ बिना इंडस्ट्रियल लाइसेंस के भी काम कर सकेंगी। इससे एरिया ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रिड्यूस हो गया और इसका स्कोप बहुत लिमिटेड हो गया। थर्ड पॉइंट, एबोलिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सभी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन स्कीम्स को जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं उन्हें अबॉलिश यानी कि ख़त्म कर दिया गया। अब न्यू प्रोजेक्ट्स सेटअप करने के लिए और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स के एक्सपेंशन के लिए एंटरप्रेन्योर्स को सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ इंफॉर्मेशन ही देना होगा। फिफ्थ पॉइंट, सेटिंग ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। सिलेक्टेड एरिया में इंटरनेशनल फर्म्स के साथ नेगोशिएट करने और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को अप्रूव करने के लिए एक स्पेशल एम्पावर्ड बोर्ड बनाया गया था, बट 2017 में इस बोर्ड को अबॉलिश कर दिया गया। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अप्रूवल देने का टास्क गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कंसर्न्ड मिनिस्ट्री को दे दिया गया है। सिक्स्थ पॉइंट, टेक्निकल एक्सपोर्ट्स। इंडिजीनियसली डेवलप्ड प्रोडक्ट्स यानी कि जो प्रोडक्ट्स इंडिया में डेवलप हुए हैं उनकी टेस्टिंग के लिए फॉरेन टेक्नीशियंस को हायर करने के लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। इनकी पेमेंट्स के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से फॉरेन एक्सचेंज इजीली मिल सकता है, वो भी बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक एंटरप्राइजेस इनकरिंग लॉस। जिन पब्लिक एंटरप्राइजेस को कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है उनकी इन्वेस्टिगेशन BIFR बोर्ड के द्वारा की जाएगी। गवर्नमेंट सिख पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए रिवाइवल स्कीम्स को फॉर्मुलेट करेगी, और इन स्कीम से अगर किसी वर्कर का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है तो उसे भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। एट्थ पॉइंट, फैसिलिटेट्स टू लेबरर्स।
रिट्रेंच्ड इम्प्लॉयज़ और वर्कर्स, यानी कि जो इम्प्लॉयज़ और वर्कर्स पब्लिक सेक्टर यूनिट्स से निकाले जा चुके हैं, रिट्रेंच किए जा चुके हैं, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए, उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एक पॉलिसी प्रोवाइड की गई। इन वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए नेशनल रिन्यूअल फंड सेटअप किया गया। यह फंड उन वर्कर्स को रिलीफ प्रोवाइड करता है जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, पब्लिक सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन होने और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के बंद हो जाने पर अफेक्ट होते हैं। 9th पॉइंट, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। जिन सिटीज़ में पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, वहाँ पे लोकेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड नहीं होती, यानी कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश किया जा सकता है। बट जिन सिटीज़ में पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी नॉन पोल्यूटेंट इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर बाकी सभी इंडस्ट्रीज़ को सिटी म्यूनिसिपल लिमिट से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सेटअप किया जा सकता है। इसका मतलब यही हुआ कि नॉन पोल्यूटेंट इंडस्ट्रीज़ को भी सिटी में सेटअप किया जा सकता है। 10th पॉइंट, एनकरेजमेंट टू इंडस्ट्रीज़ इन बैकवर्ड एरियाज़। गवर्नमेंट बैकवर्ड रीजन्स में इंडस्ट्रीज़ को स्पेशल इंसेंटिव्स ऑफर करती है ताकि रीजनल डिस्पैरिटीज़ को रिड्यूस किया जा सके। 11th पॉइंट, फ्रीडम फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। न्यू यूनिट्स के एक्सपेंशन प्रोग्राम्स को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से फ्री कर दिया गया है और जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स होगी वो, उन्हें जो पहले लाइसेंस मिल चुका है ना, उसके बेसिस पे ही न्यू कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए फ्री होती हैं। 11th पॉइंट, रिजर्वेशन फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। 2006 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इस तरह डिफ़ाइन किया गया कि जिन इंडस्ट्रीज़ में प्लांट एंड मशीनरी में 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट होगी तो उन्हें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कहा जाएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए बहुत सी प्रोविजंस बनाई गई हैं। मार्च 2014 में 20 आइटम्स को सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस किए जाने के लिए ही रिजर्व कर दिया गया था। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ और मीडियम इंडस्ट्रीज़ को इन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए अलाउ नहीं किया गया था। बट 2015-16 में जिन आइटम्स को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए रिजर्व कर दिया गया था, उन्हें डिसरिजर्व्ड कर दिया गया, यानी कि अब वो रिजर्व्ड नहीं है। एट प्रेजेंट कोई भी आइटम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व्ड नहीं है। ये इसलिए किया गया ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को और भी कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेरिट्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। 1st पॉइंट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स इसलिए किए गए ताकि कैपिटल, टेक्नोलॉजी और मैनेजीरियल एक्सपर्टाइज को अब्रॉड से अट्रैक्ट किया जा सके। फॉरेन इन्वेस्टमेंट और बेटर टेक्नोलॉजी के इस इनफ्लो से प्रोडक्शन इंक्रीज करने में हेल्प होगी। इससे इंडियन इकोनॉमी में स्कार्स रिसोर्सेज को एडिशन में कुछ रिसोर्सेज मिल जाएंगे और ये रिसोर्सेज और भी एफिशिएंट होंगे, जिससे इन रिसोर्सेज की हायर प्रोडक्टिविटी की वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। 2nd पॉइंट, प्रमोट्स लिबरलाइजेशन। यह पॉलिसी इसलिए अडॉप्ट की गई ताकि इकोनॉमी को लिबरलाइज बनाया जा सके, जिसके लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ करने के लिए ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को रिमूव कर दिया गया, यानी कि हमें गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं रही। इसको ऐसे किया गया कि 18 इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर जितनी भी सभी इंडस्ट्रीज़ होगी ना, उनके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी नहीं होगा, यानी कि लाइसेंसिंग को अबॉलिश कर दिया गया। और एट प्रेजेंट सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज़ के लिए ही लाइसेंस ऑब्टेन करना ज़रूरी है। 3rd पॉइंट, इंक्रीज़ इन एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के लिए रिजर्व्ड की गई इंडस्ट्रीज़ को 17 से कम करके 2 करने पर सिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के क्लोज होने के डर की वजह से पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो गई है। पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए अदर मेजर्स ये लिए गए हैं कि इस सेक्टर में
प्रोफेशनल मैनेजमेंट उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज इन कंपटीशन। मल्टीनेशनल कंपनीज की इजीली एंट्री, प्राइवेटाइजेशन और लिबरल लाइसेंसिंग की वजह से इकॉनमी में कंपटीशन इंक्रीज हो गया है और कंपटीशन इंक्रीज होने से प्राइसेस कम हो गए हैं। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बहुत सी आइटम्स के प्राइसेस मार्केट में कम हो चुके हैं क्योंकि इनमें कंपटीशन इंक्रीज हो चुका है। इस कंपटीशन के इंक्रीज होने की वजह से लार्ज पे पब्लिक को बेनिफिट होगा। फिफ्थ पॉइंट, लेस इकोनॉमिक बर्डन ऑन गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर का एरिया रिड्यूस हो गया है, अब सिर्फ 2 एरियाज ही पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड हैं और बाकी सभी एरियाज को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया जा चुका है। इसके साथ ही सिख पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को भी प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड कर दिया गया है। इससे क्या हुआ है कि गवर्नमेंट का इकोनॉमिक बर्डन रिड्यूस हो चुका है। सिक्स्थ पॉइंट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स पे कई तरह के कंसेशंस जैसे लिबरल लोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स सेट करना, लिबरल इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा दिए जाते हैं। इससे एक्सपोर्ट सेक्टर को बेनिफिट हुआ है और एज अ रिज़ल्ट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो चुके हैं। सेवन्थ पॉइंट, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। न्यू पॉलिसी में बैकवर्ड रीजन्स में बिग इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए कई स्पेशल प्रोविजंस बनाई गई हैं। बैकवर्ड रीजन्स में लोकेटेड इंडस्ट्रीज को कई तरह के इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इस सब से बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट में हेल्प होगी। एट्थ पॉइंट, सिग्निफिकेंस फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने स्मॉल स्केल सेक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड की है ताकि वो भी इकोनॉमिक एफिशिएंसी के एनवायरनमेंट में ग्रो कर सके और कंटिन्यूसली टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर सके। नाइन्थ पॉइंट, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट किया है। टेंथ पॉइंट, इंक्रीज इन वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। गवर्नमेंट लेबर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है और उनकी वेलफेयर को इन्हेंस कर रही है। इसके साथ ही वो उन्हें न्यू टेक्नोलॉजी के मेथड्स को लर्न करने के लिए ट्रेन भी कर रही है। लेबर भी प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के प्रोसेस में एक इक्वल पार्टनर बन चुका है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के प्राइवेटाइजेशन हो जाने से जो लेबरर्स रिट्रेंच हो जाते हैं यानी कि जॉबलेस होते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी नेशनल रिन्यूअल फंड सेटअप किया गया है। नाउ शॉर्टकमिंग्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। फर्स्ट पॉइंट, रिडक्शन इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने से पब्लिक सेक्टर का रोल कम हो गया है। फॉर एग्जांपल, पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड जो इंडस्ट्रीज थी उनको कम करके सिर्फ 2 कर दिया गया है और कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की तो प्राइवेटाइजेशन हो गई है और कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बंद हो जाने की वजह से पब्लिक सेक्टर का एरिया रिड्यूस हो गया है। इसके साथ ही बेसिक और की इंडस्ट्रीज में भी पब्लिक सेक्टर की इम्पोर्टेंस डिक्रीज हो जाने से बेसिक और की इंडस्ट्रीज की ग्रोथ स्लो हो गई है और ये पॉलिसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की प्रॉफिट मेकिंग की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी सजेशन नहीं दे रही। सेकंड पॉइंट, प्राइवेटाइजेशन विल नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू एफिशिएंसी। न्यू पॉलिसी से प्राइवेटाइजेशन पे यह इम्पैक्ट पड़ा है कि इसको और भी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए काम करना होगा, बट रियलिटी में प्राइवेटाइजेशन में पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की जगह कॉम्पिटिशन के बिना सिर्फ इनएफिशिएंट प्राइवेट सेक्टर मोनोपोलीज ही बन पाएंगी। इसके अलावा चाहे कोई यूनिट पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, उसकी एफिशिएंसी हमेशा कंपटीशन पे बेस्ड होगी। थर्ड पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। न्यू पॉलिसी का मेन एम इकोनॉमिक पावर की कंसंट्रेशन करना था। न्यू पॉलिसी का मेन एम
इकोनॉमिक पावर की कॉन्सेंट्रेशन करना होगा। MRTP एक्ट की अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग MRTP कंपनीज में एसेट्स की लिमिट्स को रिमूव करके इकोनॉमिक पावर का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ प्राइवेट हैंड्स में हो जाएगा। बट ईयर 2002 में MRTP एक्ट को अबॉलिश करने के बाद बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस के द्वारा और भी इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाना प्रमोट हो सकता है। इससे क्या होगा कि जो इकोनॉमिक पावर होगी वो सिर्फ कुछ हैंड्स में ही चली जाएगी। फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज इन रीजनल इम्बैलेंसेस। न्यू पॉलिसी के क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग इससे रीजनल इम्बैलेंसेस इंक्रीज हो जाएंगी। न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सिर्फ डेवलप्ड रीजन्स में ही सेटअप किया जाएगा, ना कि बैकवर्ड रीजन्स में। इससे क्या होगा कि यह पॉलिसी बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट चली जाएगी। फिफ्थ पॉइंट, एडवर्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक सोवरेनिटी। यह भी डर है कि फॉरेन कैपिटल को एक्सेसिव फ्रीडम देने से हमारी इकोनॉमिक सोवरेनिटी भी अफेक्ट हो सकती है। सिक्स्थ पॉइंट, एडवर्स इफेक्ट ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। लिबरलाइज्ड लाइसेंसिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स और पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड एरियाज को रिड्यूस कर देने से न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से कंपटीशन इंक्रीज होगा। बट हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज MNCs के साथ कंपटीशन फेस करने की पोजीशन में नहीं है। इस सबसे क्या होगा कि हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बैडली अफेक्ट हो जाएंगी। सेवन्थ पॉइंट, इग्नोर्स सोशल ऑब्जेक्टिव। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में 5-year प्लान के हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव को इग्नोर किया गया है। इसके ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूड है प्राइवेट सेक्टर की जगह पब्लिक सेक्टर की एक्सपेंशन पे ज़्यादा ध्यान देना और दूसरी इंडस्ट्रीज के अलावा बेसिक और की इंडस्ट्रीज की फास्टर एक्सपेंशन करना और इकोनॉमिक पावर की प्राइवेट हैंड्स में कॉन्सेंट्रेशन से प्रिवेंट करना, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट करना और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना। ये सभी हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के द्वारा इग्नोर किया जा रहा है। एट्थ पॉइंट, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। फॉरेन टेक्नोलॉजी के लिबरल इम्पोर्ट होने से कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई है। इससे क्या हुआ है कि हमारी लेबर फोर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम हो चुकी हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सजेशंस फॉर मेकिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी मोर प्रोडक्शन ओरिएंटेड। फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैवी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को और भी एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए डेडिकेटेड और हाई कैलिबर के पर्सन्स को प्राइवेट सेक्टर में अपॉइंट किया जाना चाहिए। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को रेगुलरली इंस्पेक्ट किया जाना चाहिए। उनकी वर्किंग में ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को मिनिमाइज किया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर। सिर्फ पब्लिक सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन कर देने से ही प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होगी। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर की कॉम्पिटिटिवनेस को भी इंक्रीज करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को उन्हें सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, लिबरल क्रेडिट, लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज एक्सेट्रा प्रोवाइड करने चाहिए। इससे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज की ग्रो होने में और फॉरेन एंटरप्राइजेस के साथ कम्पीट करने में हेल्प हो सकेगी। थर्ड पॉइंट, लिबरलाइजेशन ऑफ लेबर लेजिस्लेशंस। एग्जिस्टिंग लेबर लेजिस्लेशंस बहुत रिजिड हैं, यानी कि उन्हें इजीली चेंज नहीं किया जा सकता। नो डाउट ये लॉज एम्प्लॉय फ्रेंडली हैं, बट ये एम्प्लॉयर फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर के लिए किसी इनएफिशिएंट, इनडिसिप्लिन्ड रेगुलर एम्प्लॉय को रिट्रेंच करना बहुत डिफ़िकल्ट है, जबकि डेवलप्ड नेशंस में लेबर लॉज फ्लेक्सिबल हैं। सैलरी और वेजेस वर्क परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दी जाती हैं और इनएफिशिएंट स्टाफ को सरप्लस या इनएफिशिएंट स्टाफ को रिट्रेंच या ले ऑफ करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। फोर्थ पॉइंट, रिडक्शन इन रीजनल इम्बेलेंसेस। लाइसेंसिंग पॉलिसी में इंश्योर किया जाना चाहिए कि इंडस्ट्रियल हाउसेस उनकी यूनिट्स को बैकवर्ड रीजन्स में भी सेटअप करेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट को बैकवर्ड रीजन्स में
इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना चाहिए. फिफ्थ पॉइंट, रिड्यूसिंग टू मच डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कैपिटल. गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि इकॉनमी फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड ना हो. फॉरेन कैपिटल पे डिपेंड होने से डेट बर्डन इंक्रीज हो सकता है. एक्सेसिव फॉरेन टेक्नोलॉजी यूज़ करने से डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी की ग्रोथ रिड्यूस हो सकती है, इसलिए इसे सिर्फ स्ट्रेटेजिक और की एरियाज़ में ही अलाउड करना चाहिए. सिक्स्थ पॉइंट, ड्यू अटेंशन टू स्मॉल स्केल सेक्टर. ये हम जानते हैं कि स्मॉल स्केल सेक्टर हाईली लेबर इंटेंसिव होता है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना चाहिए. कुछ एरियाज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए रिजर्व कर दिए जाने चाहिए और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए उन्हें कई तरह की फिस्कल और नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किए जाने चाहिए. सेवन्थ पॉइंट, स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पावर सप्लाई एक्सेट्रा को स्ट्रेंथन करने के लिए स्पेशल मेजर्स या स्टेप्स लेने चाहिए और गवर्नमेंट को एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन और इम्प्रूव करने के लिए भी स्टेप्स लेने चाहिए. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की पेस स्लो रहेगी. नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज मेन फीचर्स और कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जुलाई 1991 में अनाउंस की गई. इसके मेन फीचर्स थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकॉनमी. इनको बिलो डिस्कस किया गया है. फर्स्ट पॉइंट इज लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन का मींस है गवर्नमेंट के द्वारा बिजनेस यूनिट्स पे इम्पोज की गई अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल्स को रिड्यूस कर देना है. इसका मतलब है प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर देना, ट्रेड और इंडस्ट्री को अननेसेसरी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स या रुकावटों से रिलैक्स या फ्री कर देना है. 1991 से पहले गवर्नमेंट ने इंडियन इकॉनमी को कंट्रोल करने के लिए कई तरह के कंट्रोल इम्पोज किए थे, जैसे कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, प्राइस कंट्रोल और फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन गुड्स, इम्पोर्ट लाइसेंस, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, रिस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट बाय बिग हाउसेस एक्सेट्रा. गवर्नमेंट ने यह एक्सपीरियंस किया है कि इन कंट्रोल्स की वजह से इकॉनमी पे कई तरह की शॉर्टकमिंग्स आ गई हैं. इन कंट्रोल्स की वजह से करप्शन, अनड्यू डिलेस और इनएफिशिएंसी राइज हो गई है और इकॉनमी का रेट ऑफ ग्रोथ भी शार्पली यानी कि बहुत फास्ट कम हो रहा है. इसलिए इकॉनमी पे इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस करने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी. सेकेंड पॉइंट, प्राइवेटाइजेशन. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग होता है प्राइवेट सेक्टर को ऐसी कई इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए अलो कर देना जो कि पहले पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड थी. इसके अंडर पब्लिक सेक्टर की एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस को होली या पार्शली प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड कर दिया गया. इससे प्राइवेट सेक्टर की इम्पोर्टेंस इंक्रीज हो गई क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना था. इस तरह पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में बदल देना ही प्राइवेटाइजेशन कहलाता है. इंडिया में पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज़ अब सिर्फ 17 से कम होकर 2 रह गई हैं. ये 2 इंडस्ट्रीज़ हैं एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज, और जो बाकी सभी इंडस्ट्रीज़ बच गई हैं उन्हें प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया है कि वो उसमें अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हैं. ये इसलिए किया गया ताकि प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन और एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके. थर्ड पॉइंट, ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग होता है हमारी कंट्री की इकॉनमी को दूसरी कंट्री की इकॉनमी के साथ लिंक करना. वो कैसे? फ्री ट्रेड, फ्री मोबिलिटी ऑफ कैपिटल और लेबर के ज़रिए.
इसका मतलब ये भी है कि हम मल्टी कॉरपोरेशंस को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट करें। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में ये अज्यूम किया गया है कि इंडियन इकोनॉमी का वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ क्लोज लिंक होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि गुड्स और सर्विसेज, कैपिटल, पीपल, टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टाइज का डिफरेंट कंट्रीज़ में अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो हो पाएगा। ग्लोबलाइजेशन का मेन एम वर्ल्ड को ऐसा ग्लोबल विलेज बनाना था और इंडिया के दूसरी कंट्रीज़ के साथ बढ़ रहे रिलेशंस को उसकी ग्रोइंग फॉरेन ट्रेड से पता लगाया जा सकता है, जिसका जीडीपी रेशियो में कंट्रीब्यूशन 24% से बढ़कर 2015-16 में 55.4% हो गया है। इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।